नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता व जन सेवा मेरा लक्ष्य है। समाज के दलित शोषित व पीड़ित जनता की सेवा ही राजनीति में मेरे प्रवेश का उद्देश्य है। यह बातें पूर्व विधायक शैली रानी रावत ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए बहुत ही अधिक विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। उनकी उन्नति और प्रगति के लिए लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार नई नई योजनाएं दे रही है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने देश की महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसका महिलाओं को भरपूर लाभ मिल रहा है। कहां भाजपा ही एक ऐसी पार्टी जो महिलाओं का सम्मान करती है। ये बात सुन लो, सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बात है। ये मेरी बहन का घर है, ये महिला है, मैं भी महिला हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं, ना मेरा इतने भागते हैं मेरे लिए क्या बात? ऐसा घुसना पड़ता है गाँव में। फैन फॉलोइंग तो आपकी वैसे अच्छी है, वैसे अच्छी पहले से। फैन फॉलोइंग रोटी बनाई है, मैं बैठी हुई चीज रोटी खा रही आराम से, बहुत बढ़िया नहीं होता उसका हाथ मिला है। मैं निकालने वाली निर्दलीय में जिला पंचायत अध्यक्ष बने, अच्छा मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, दोनों पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी। अब मेरा खूब कर रखी है सामान, खूब मीठा बन रखे, ऐसा नहीं। थोड़ा सा मैं बीमार हो गई हूँ। बताओ जरा कितना कितना पैदल चलना पड़ता है? हमको बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। मैं तो बहुत चलती थी, मैं तो सुबह मिशन 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, बताइए इस बारे में। अब मिशन 2022 के लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ता बहुत प्रयासरत हैं और हमारी सरकार आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जनता को भी एक मजबूत और जिम्मेदार नेतृत्व की आवश्यकता है, जो कि हमारी केंद्र में माननीय मोदी जी हैं, तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी। बात की जाए केदारनाथ विधानसभा की, तो कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक स्थिति केवल चारधाम यात्रा को लेकर ही चलती है, इसे आप किस तरह से देखती हैं, जबकि चारधाम यात्रा अभी पूरी तरह से बंद की गई है? हमारी 60% आर्थिकी जो है केदारधाम यात्रा पे आश्रित है, चाहे हम घोड़े खच्चर वाले हैं, चाहे हमारे लॉज हैं, चाहे हम तीर्थ पुरोहित हैं, चाहे हम किसी और तरह से, हमारे वहाँ पर जीवन यापन यात्रा के भरोसे ही होता है। और जनता का मन भी है और हम सब का मन है कि यात्रा जल्दी से जल्दी खोले, लेकिन जो है कोर्ट की पाबंदी की वजह से इसमें विलंब हो रहा है। हमारी राज्य सरकार प्रयासरत है और कई बार हम लोग मिले भी हैं और लगभग 2 साल से हमारी स्थिति बहुत ख़राब है वहाँ पे, और जितनी जल्दी यात्रा खुलेगी उतनी जल्दी हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और ये हमारी ज़रूरत है। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर इस तरह से आप खुद को पैनल में देखते हैं क्या है, तो बताएंगे जरा इस बारे में? हाँ, मैं बिल्कुल देखती हूँ। 40 साल से मैं जनसेवक के रूप में रही, प्रमुख के रूप में रही, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में रही, विधायक के रूप में रही, और आज भी मैं पैनल में अपने को जरूर रखूँगी और मैं प्रयासरत हूँ। अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं उसका पूरा निर्वहन करूँगी। आज बस इतना ही, अगले बुलेटिन में प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज।